नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस चैनल पर, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आप किन्हीं कारणों से वंचित रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आपने देखा होगा कि बाल श्रम के जरिए बच्चों का शोषण किया जाता है और यह शोषण कई रूप में होता है। कभी कभी हम आप जाने अनजाने इस बात को देखते हैं लेकिन किनारे कर जाते हैं। वह व्यक्ति सिर्फ चाय की दुकान पर है, मिठाई की दुकान पर है या किसी कारखाने में लगा हुआ है। हमें यह भी देखना चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, जिन पर यह दायित्व तो है कि हाँ बाल श्रम को रोका जाए, अगर वही इस कृत्य को करने लगे तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक स्थिति होती है। जो लोग अपराध करते हैं इस तरह का, वही लोग दूसरों को यह उपदेश देते हैं कि ऐसा अपराध करना अनुचित है। बाल श्रम में तो खास तौर से हमने देखा है, अगर हम इंडस्ट्रियल लॉज को देखें और जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको देखें, साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखें और इसके साथ साथ जो 2017 में रूल्स अमेंड होके आए हैं उसको देखें, तो एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। बाल श्रम कहीं ना कहीं समाज की देन है, वो चाहे गरीबी से पनपी हो या किसी अन्य कारणों से। तो जब हमारे आपके बीच से पनपी है तो इनको दूर करने का भी दायित्व तो हमारा और आपका ही है। कानून बहुत सारे बने हुए हैं, उन कानूनों को किताब से बाहर लाकर लोगों के बीच में ले जाना, यह बहुत सारे एनजीओ का काम है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग काम है, हमारा आपका काम है। जब हम चाइल्ड लेबर को दिव्यांगजन से जोड़ के देखते हैं तो यह स्थिति और शर्मनाक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं, वे सेवा तो बाहर खूब दिखाते हैं, हमने ये किया, लेकिन आप जब अंदर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ के कर्ता धर्ता मिलेंगे, जिनके घर में आपको ऐसे दिव्यांगजन कार्य करते हुए मिलेंगे और राउंड द क्लॉक वो उन्हीं के घर में रहते हैं, जो ये डींग मारते हैं कि हम बाल श्रम को रोक रहे हैं, दिव्यांगजन के क्षेत्र में उनको पुनर्वासित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन बात यहां यह है कि हम दूसरों पर तो उंगली उठा लेते हैं, अपने पर उंगली कब उठाएंगे हम? अब यहां एक सवाल आता है कि जब हम ऐसे बड़े लोगों पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं तो शायद हम ही नष्ट कर दिए जाते हैं, हमारा ही वजूद ये के प्रकार नष्ट करने की बात कर दी जाती है और जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे वो बात गौण हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति फिर अपना अस्तित्व बचाने में लग जाता है, अपना सम्मान बचाने में लग जाता है। चाइल्ड लेबर की बात है, बाल श्रम के कारण शोषण हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, बाल श्रम के साथ भी उसका यौन शोषण होता है, वह चाहे महिला बाल हो या फिर पुरुष बाल हो। हालांकि जो नियम आया है उसमें तो यह है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। 14 से 18 साल के बीच के लोगों को कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां पर नियोजित करने की बात कही गई है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो हैजार्डियस ना हो, उनको हानि न पहुंचाए और उसे लाइट वर्क ही लिया जा सकता है। मैकेनिकल क्षेत्र में तो 14 वर्ष से नीचे के बहुत सारे बच्चे या तो इलेक्ट्रिशियन का काम करने चले आए हैं या फिर गुमटी वाले मिस्त्री होते हैं, उनके पास एक दो बच्चे ऐसे रहते ही हैं, सिखाने के नाम पर, सीखने के नाम पर उनके माँ बाप उनको भेज देते हैं, उनकी गरीबी के नाते उनको शाम तक 100-250 जो भी मिल जाता है उसमें जाके फिर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि गरीबी के जिम्मेदार कौन है? हम क्यों इतने बच्चे को जन्म दे देते हैं, उनकी परवरिश हम ना कर पाए? और यह हर एक समुदाय को सोचना पड़ेगा, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति बन रही है उसके दुष्परिणाम से कोई भी नहीं बचने वाला है। और कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। दिव्यांगजन अधिकार कानून चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के प्रकाश में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार कानून की एक धारा यह कहती है कि यह अधिनियम अन्य कानूनों की सहायता के लिए है, उनका विरोध करने के लिए नहीं है। ऐसे में जब चाइल्ड लेबर एक्ट को
दिव्यांगजन अधिकार कानून की धारा 7 और धारा 92 के प्रकाश में पढ़ते हैं तो दिव्यांगजन के लिए यह एक कवच का काम करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 7 में यह साफ साफ व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से दिव्यांगजन का एब्यूज कर रहा है, शोषण कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है, वायलेंस का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में वहां की स्थानीय क्षेत्र अधिकारिता वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संज्ञान में आने पर कार्यवाही के लिए तत्पर होंगे। पुलिस स्टेशन भी उस पर कार्यवाही करेगा और यही नहीं, जो वहां के आरोज हैं यानी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भी सहायता लेकर उस बच्चे को पुनर्वासित करने की कार्यवाही की जाएगी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट के अधीन जो 2017 में रूल्स फ्रेम हुए हैं उन रूल्स के तहत भी पुनर्वासन फंड की बात कही गई है, पुनर्वासन निधि की बात कही गई है। तो यदि हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन जो नियम है वो और उस निधि को जो चाइल्ड लेबर के अधीन बनाई गई है दोनों को जोड़ के देखते हैं तो वास्तव में योजना तो बहुत अच्छी है। आज भी आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो स्कूल जाने से कतराता है, अगर वो गरीब परिवार का है तो इस गांव के आसपास ही किसी स्कूल में भेजता है, एक दो दिन तो लेकर जाता है लेकिन फिर उसके बाद कहीं जो गुरुजी हैं उनका गुस्सा या उनके दोस्तों का कुछ अलग से व्यवहार उस बच्चे को इस डर से सता देता है कि वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। और ऐसे समाज में कुछ कुकृत्य करने वाले लोग हैं वो उसको शेल्टर देते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं, बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, घर वाले समझते हैं बच्चा स्कूल गया हुआ है और बच्चा यौन शोषण का दुराचार का शिकार हो जाता है। बच्चा जब निर्माण के क्षेत्र में काम करता है या आपके मैकेनिक के क्षेत्र में काम करता है या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करता है तो वहां पर उसके साथ जो एक समुदाय जुड़ा हुआ होता है, यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के आधार पर लोग जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में रहते रहते ज्यादातर वो सिगरेट का इस्तेमाल करने लगता है, धूम्रपान का इस्तेमाल करता है और मद्यपान करने लगता है और स्थिति यह होती है कि वह बाद में एंग्जाइटी और एंग्जाइटी के चलते फ्री स्ट्रेस और फिर धीरे धीरे वो अपने को मानसिक इलनेस की कैटेगरी में ले आता है। यानी जो बच्चा स्वस्थ था, जिस बच्चे का यह अधिकार था कि वो पढ़ता, जिस बच्चे का यह अधिकार था कि मानवता के क्रम में अपने को निखारता, एक सभ्य नागरिक बनता, आज वो किस तौर चला जा रहा है यह हमारे आपके लिए चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। तो अगर आपके आसपास कहीं इस तरह से कोई भी घटना हो रही हो तो आप भी कंप्लेंट फाइल करने के हकदार हैं। सरकार का लगातार प्रयास रहता है दृश्य श्रव्य माध्यमों से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप तक जागरूकता पहुंचाई जाए। कितने लोग जागरूक होकर उसका सदुपयोग समाज के लिए करते हैं यह अपने विचारणीय प्रश्न है। मुकदमा कर देना अलग बात है, पनिशमेंट कर देना एक अलग बात है, लेकिन समाज में जो जड़ फैली हुई है इसको निर्मूल नष्ट करने के लिए हमारी आपकी और सबकी सहभागिता की जरूरत है ताकि हमारे आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी आ रही है वह बाल श्रम की चपेट में आकर नशा और धूम्रपान के चक्कर में कहीं अपना जीवन बर्बाद ना कर रहा हो और कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप देश पर भी इसका असर पड़ेगा। तो हमको आपको आंख खोलकर चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अधिनियमों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रकाश में आपने देखा होगा कि जो 16 से 18 वर्ष के बीच के कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे हैं वे या बालक हैं वे अगर गंभीर अपराध कार्य करते हैं जैसे हत्या है, बलात्कार है तो वह बालक नहीं माने जाते हैं। हालांकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो 18 वर्ष की आयु के सभी बंधु वयस्क नहीं माने जाते, यानी अवयस्क ही माने जाते हैं, यानी वे बालक ही माने जाते हैं। लेकिन जब हम श्रम कानूनों के लिहाज से देखते हैं तो यह परिभाषा कुछ और होती है, यानी 14 साल नीचे वालों को तो बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, 14 से 16 को एक लिस्ट दी गई है कि चिन्हित किए गए हैं कुछ व्यवसाय जहां पर इनको नियोजित किया जा सकता है वो भी लाइट वर्क के लिए। और इस तरह से सबको जागरूक करके हम आप गरीबी पर चोट भी कर सकते हैं। गरीबी को मिटाने के लिए लोग नारा तो देते चले गए गरीबी मिटाओ, गरीब तो नहीं मिटा, हां वो चाहे सत्ता से चले गए हों या कुछ और हो गए हों हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह विषय अपने विचारों लिए है कि आखिर
कब तक इस ढंग से हम बाल श्रम को पोषित करते रहेंगे और वो भी अपने ही घर में। आज की बात यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि नहीं ये वास्तव में हमें जगाने की जरूरत समाज को, तो आज ही बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन करते हुए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि चाइल्ड लेबर को हम और आप एक साथ मिलकर के रोक सकें और वो नागरिक, सभ्य नागरिक होने वाला था, उसको और निखार करके देश के लिए उसका उपयोग किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।